नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पंजाब में सियासी उठापटक जोरों पर है और कांग्रेस में खासा घमासान मचा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली में हैं, वह प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। अमरिंदर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के अब कई सियासी मायने भी अब लगातार निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में सियासी उठापटक जोरों पर है और कांग्रेस में खासा घमासान मचा हुआ है और इस बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली में है, वह प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली में मौजूद है और वो ऐसा लगाया जा रहा है, अटकले कि प्रधानमंत्री से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो दिल्ली में है इस वक्त और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी बात करी है और उसके साथ ही साथ आज ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी अटकलें काफी तेज हो गई हैं। ये कल से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी कि हो सकता है पंजाब के जो सीएम है अमरिंदर सिंह वो पीएम मोदी से कुछ मुद्दों को लेकर मुलाकात कर सकते हैं। जी अशहबाज, क्या लगता है कौन से ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर आज चर्चा हो सकती है? देखिए प्रिया, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पंजाब में एक पांच बड़े किसानों को लेकर निशाना बनाया जा सकता है और पंजाब में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, जिसको देखते हुए आज जो है अमरिंदर सिंह जो है वो पीएम मोदी से मिल सकते हैं। उन्होंने प्रिया ये भी बताना चाहूंगा कि जब उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी तो उन्होंने पंजाब का जो आंतरिक मुद्दा था सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर उन्होंने अमित शाह से हस्तक्षेप करने की मांग करी थी और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा था कि भारी सुरक्षा को जो है पंजाब में तैनात किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉर्डर पार से ये डर सता रहा है कि हो सकता है कि पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश की जाए, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में माहौल खराब करने की जो साजिश है सीमा पार से की जा सकती है, पाकिस्तान की तरफ से की जा सकती है, जिसका डर जो है वो अमरिंदर सिंह को सता रहा है। साथ ही उनको ये भी लग रहा है कि पांच बड़े किसान नेताओं पर भी हमला हो सकता है, इसको लेकर वो अमित शाह से मिले थे। उन्होंने अमित शाह से ये कहा था कि वहां भारी पीएससी और काफी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया जाए और वहां पर तैनात किया जाए और हो सकता है आज जो पीएम मोदी से उनसे मुलाकात होने वाली है उस मुलाकात में भी वो पंजाब के इस सुरक्षा के मुद्दे को उठा सकते हैं। प्रिया जी, जिस तरह से शहबाज, अमरिंदर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के भी अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? प्रिया बताना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जो उनकी मुलाकात हुई तो वो काफी राजनीतिक मुलाकात थी से जो माना जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में जो इतने दिनों से सियासी उठापटक चल रहा था कहीं ना कहीं उसको लेकर भी विराम लगाने की जो कोशिश है वो कांग्रेस के बड़े स्तर से की जा रही है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच जो तालमेल है वो बिठाने की कोशिश में है प्रिया, क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में देखा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अमरिंदर सिंह के जवाब में सिद्धू जो है वो खुलकर मैदान में आ गए थे, वो लगातार उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर सता रहा था कि हो सकता है सिद्धू जो है वो उनसे छिटक जाए। ऐसे में चुनाव नजदीक है और इतने बड़े नेता का खोना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक होता, जिसको उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया खुद और प्रियंका गांधी ने नेताओं को बुलाया, उनसे मुलाकात करी, सिद्धू से मुलाकात करी। सिद्धू से मुलाकात करने के बाद उनके कुछ तेवर जो थे वो थोड़े से नॉर्मल दिखाई दिए, उसके बाद जो है वो इतने हमलावर नहीं दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बड़े नेताओं के हस्तक्षेप करने के बाद कहीं ना कहीं मामला जो है वो संभलता हुआ दिखाई दिया पंजाब में और फिर पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए गए
सिद्धू, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पद दे दिया जाता है उनको। उसके बाद अमरिंदर सिंह की टी पार्टी होती है, उस टी पार्टी में सिद्धू जाते हैं, वहां उनसे मुलाकात करते हैं। उस जो स्टेज पर जो तेवर दिखते हैं सिद्धू के, वो भी कहीं ना कहीं काफी आक्रामक तेवर दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं सिद्धू ये मानते हैं कि उनकी पंजाब में जीत हुई है और अमरिंदर सिंह की हार हुई है। तो इसको देखना यह है कि जिस तालमेल को बैठाने की जो बात कर रही है कांग्रेस की, वहां सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्या चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा या फिर ऐसे ही इन लोग को, इन दोनों की नाराजगी के चलते कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ जाएगा? प्रिया, बिल्कुल शहबाज, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए कांग्रेस की तो नाराजगी भी साफ तौर पर देखी गई, तो क्या लगता है ऐसे में ये नाराजगी कहीं ना कहीं कोई मुद्दा तो नहीं है? जी बिल्कुल, हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो जिस मुलाकात जो उनकी मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से, हो सकता है उस मुलाकात में उन्होंने पंजाब का सियासी घटनाक्रम पूरे विस्तार से रखा हो, अपनी पूरी बात रखी हो, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी सीनियर, काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और काफी दिग्गज नेताओं में से माने जाते हैं, और साथ ही साथ कैप्टन सीएम भी है वहां पे। तो ऐसे में एक बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस भी उनकी सुनवाई करती है, उनसे काफी बातें करती है और उनके उनका पक्ष जानने की भी कोशिश करती है। इसी पक्ष को रखने, हो सकता है वो दिल्ली गए हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात करी है, उस मुलाकात में हो सकता है पंजाब का सियासी घटनाक्रम उन्होंने पूरे विस्तार से रखा हो, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव का बहुत नजदीक आना और चुनाव के नजदीक आते आते कांग्रेस के अंदर खाने इस तरीके की हलचल हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये इसका फायदा जो है वो विपक्ष उठा लेता है। इसको कांग्रेस चाहती नहीं है कि विपक्ष इसका फायदा उठा सके, इसीलिए ये मुलाकात हुई है। प्रिया जी बिल्कुल, शहबाज एक सवाल और कि जिस तरह से ये बताया गया कि उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, जिसके इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, और जिस तरह से पंजाब में कैप्टन की कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की गई और लगातार ऐसी चर्चाएं जोरों पर है, और ये भी जिस तरह से बताया गया कि सिद्धू गुट को साधने और जिस तरह से आने वाले वक्त में सूबे की चुनावी सियासत को संभालने के लिए भी कैप्टन को अब आला कमान से कई निर्देश मिले हैं। बिल्कुल, देखा जा रहा है प्रिया कि जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार की आपने जो बात करी है, और सिद्धू गुट एक तरफ से ये बार बार कह रहा है कि हमारे पास इतने विधायक है, क्योंकि अभी जब नाराजगी जाहिर की थी सिद्धू ने तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास 60 विधायक हैं और मेरे साथ 60 विधायक हैं। शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं आपस में ही देखने को मिला था सिद्धू गुट और अमरिंदर के गुट में। तो कहीं ना कहीं जो विस्तार होना है तो कहीं ना कहीं इसको विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कौन से गुट को किस कहाँ जगह मिलती है, कौन सी जगह दी जाती है। कहीं ना कहीं इस तरीके का जो चीजें होनी है प्रिया, वो काफी हद तक ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, और किस तरीके से क्या क्या करती है कांग्रेस आने वाले दिनों में पंजाब के लिए, ये तो देखने वाली बात होगी प्रिया, क्योंकि नाराजगी को कहीं ना कहीं दूर करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कांग्रेस का इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से दो बड़े नेताओं में अगर नाराजगी रही तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पंजाब में नुकसान खा सकती है, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा देखा गया है, चाहे वो राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तो कांग्रेस के जो अंदर खाने जो दिक्कतें चलती हैं उसका खामियाजा जो है ऊंचे स्तर पर कांग्रेस को उठाना पड़ जाता है। इसलिए कांग्रेस जो है इस बार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब में अब सियासी उठापटक जोरों पर है और कांग्रेस में खासा घमासान मचा हुआ है, और इस बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली में है और वह प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, और इस मुलाकात के अब कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक वर्ग विशेष के खिलाफ नारेबाजी से जुड़े एक वीडियो के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने वकील और भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें अश्वनी उपाध्याय समेत 4 आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस के DCP दीपक यादव ने कहा कि हमें एक वीडियो मिला है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। इस दिन BJP के पूर्व प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय के एक कार्यक्रम में भीड़ जुटी। वहीं पर एक वर्ग विशेष के खिलाफ नारे लगे। कार्यक्रम भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। वहीं पुलिस से इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं ली गई थी। वहीं अब आरोप है कि इसी कार्यक्रम में जमा भीड़ ने ही भड़काऊ नारेबाजी की। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस ने 9 अगस्त की रात को अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया।
आरोपियों से चाणक्य पुरी थाने में एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई। वहीं 10 अगस्त की दोपहर इन सभी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जबकि अश्विनी उपाध्याय अब अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। उपाध्याय ने कहा है कि मैंने वीडियो की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को शिकायत सौंपी है, अगर वीडियो प्रमाणिक है तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि वे कौन है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, ना ही मैं उनसे पहले कभी मिला हूं और ना ही उन्हें वहां बुलाया था। जब तक मैं वहां था वे वहां नजर नहीं आए। अगर वीडियो फर्जी है तो भारत जोड़ो आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब टीके की मिश्रित खुराक का भी इस्तेमाल होगा। सूत्रों के मुताबिक विशेषज्ञ समिति यानी कि SEC की सिफारिशों के आधार पर औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने इसकी अनुमति दे दी है। इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। हाल ही में हुई समिति की बैठक में वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके की मिश्रित खुराक की अनुमति मांगी थी। समिति ने इसे मंजूर कर लिया है। अधिकारियों का यह कहना है कि इसे लेकर टीकाकरण पर गठित राष्ट्रीय तकनीकी सलाह समिति का फैसला बाकी है। टीकाकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर मिश्रित खुराक को टीकाकरण में शामिल किया जाएगा। वहीं गुजरात में कोवैक्सीन का उत्पादन और कोवैक्सीन टीके की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 15 अगस्त के बाद गुजरात के अंकलेश्वर स्थित कारखाने में इसका उत्पादन शुरू होने जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रह सकते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र व UP में भी 4 जगहों पर कोवैक्सीन उत्पादन को मंजूरी दे दी जा चुकी है, हालांकि अभी वहां उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। BJP ने यह कार्रवाई रीता बहुगुणा जोशी की ओर से नाराजगी जताए जाने के बाद की है। जितेंद्र सिंह बबलू अभी 4 अगस्त को ही BJP में शामिल हुए थे। वे साल 2009 में रीता बहुगुणा जोशी के घर में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में आरोपी हैं। फैजाबाद जिले के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक रहे जितेंद्र सिंह बबलू ने 4 अगस्त को BJP की सदस्यता ग्रहण की थी। बबलू साल 2009 में रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर आग लगाने और तोड़फोड़ के मामले में आरोपी हैं। वह इस घटना को लेकर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत 7 अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का उपहार देने जा रही है। यह सुविधा 21 अगस्त की रात 12 बजे से 22 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे तक निगम की सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग इसके आदेश जारी करने में जुट गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार रक्षाबंधन के मौके पर मुफ्त बस सेवा को मिशन शक्ति से जोड़ दिया है। मिशन शक्ति का तीसरा चरण रक्षाबंधन से एक दिन पहले यानी कि 21 अगस्त से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी इस सुविधा का लाभ करीब 3.5 लाख बहनों ने उठाया था। वहीं सरकार इस बार महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए भी सभी जिलों में बालवाड़ी का तोहफा भी देने वाली है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए टीके की दोनों डोज लगाकर सुरक्षा चक्र मजबूत करने में सरकार लगातार जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज लगवाने में देरी ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अब हर शनिवार को सभी टीकाकरण केंद्रों पर सिर्फ वैक्सीन की दूसरी डोज ही लगाई जाएगी। टीकाकरण केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक टीके की दूसरी डोज लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले लोगों के लिए समय आरक्षित किया गया है। फिर इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों को प्रथम आगत प्रथम स्वागत के आधार पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। वहीं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कोई भी व्यक्ति वैक्सीन की पहली और दूसरी कोई भी डोज लगवा सकता है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने यह बताया है कि टीके की दूसरी डोज लगवाने वालों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दूसरा टीका लगवाने में लोगों को कठिनाई न उठानी पड़े, इसलिए शनिवार का दिन सिर्फ दूसरा टीका कर
लगाने के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अब तक प्रदेश में कुल 5.5 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 4.64 करोड़ लोगों ने टीके की पहली और 86.16 लाख लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। ऐसे में मात्र 15.6% लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये नई पहल शुरू हो चुकी है कि अब शनिवार को कोरोना की दूसरी डोज जो है वैक्सीन की वो लगवाई जाएगी, क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो लगातार वैक्सीनेशन पे काफी जोर दे रही है और दूसरी लहर में जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काफी सवालों के घेरे में रही और विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ये नहीं चाहती है कि आने वाली तीसरी लहर या फिर जितनी भी लहर कोरोना की आने वाली है उसमें उसको कहीं कोई दिक्कत या कहीं विपक्ष के घेरों में ना खड़ा होना पड़े। इसलिए जो है वो अभी से तैयारियों में जुट गई है, लगातार तीसरी नीति जो है टेस्ट ट्रीट ट्रीटमेंट की, उसके अनुसार जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार आगे बढ़ रही है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन पे काफी जोर दे रही है। एक एक दिन ऐसा कुंभ का महाअभियान चलाया जाता है वैक्सीनेशन को लेकर, तो जिस तरीके से जिस महाअभियान चलाया जाता है और ये लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि आज कुल इतने टीके लगाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं रफ्तार जो है वैक्सीनेशन की उसको बढ़ाने की फिराक में दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिया बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज और दो डोज दूसरी डोज जो है वो एक साथ लगने से जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी दिखाई दे रही है। अभी 15% ही लोगों को पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो वैक्सीन लगी है, तो ऐसे में इस आंकड़े को योगी आदित्यनाथ सरकार जो है बढ़ाना चाह रही है, इसी वजह से शनिवार को अब सिर्फ दूसरी डोज ही लगेगी। जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि देखा गया कि कहीं ना कहीं जो लोग थे उनको स्लॉट बुक करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके तहत जो वैक्सीन की दूसरी डोज है उसका जो समय है वो कहीं ना कहीं इधर उधर होता दिखाई पड़ा। जी बिल्कुल प्रिया, अगर बात करें दूसरी डोज लगाने की, तो दूसरी डोज का टाइम जब आता है तो दूसरी डोज लगवाने में लोगों को काफी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा था और अस्पतालों में काफी लंबी लाइनें इसके लिए लग रही थी और साथ ही साथ लोगों को वापस लौटा दिया जा रहा था वैक्सीनेशन सेंटर। कुछ ऐसे हैं उत्तर प्रदेश की, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे थे जहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वहां से वैक्सीनेशन सेंटर से वापस लौटा दिए जा रहे थे। तो इसको लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये फैसला लिया है और साथ ही साथ वैक्सीन की अगर बात करें तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य है उत्तर प्रदेश वो वैक्सीन लगाने में सबसे आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े जो है उसमें कमी दिखाई दे रही है प्रिया, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। जिस तरह से शहबाज ये दिखाया गया कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है लोगों को, लेकिन जिस तरह से अब ये नया नियम आ गया है कि शनिवार को कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर दूसरी डोज लगाई जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ नियम है? नियम जो है अभी जो उसकी गाइडलाइंस है उसको लेकर अभी योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी कुछ बताया नहीं है, लेकिन हाँ अमित मोहन प्रसाद जो है उन्होंने ये बताया है कि लोगों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए शनिवार का जो दिन है वो सिर्फ दूसरा टीका लगाने को आरक्षित कर दिया गया है। यानी कि अब जो शनिवार को जो पहली और दूसरी डोज लगती थी अब वो बंद कर दी जाएगी, सिर्फ दूसरी डोज ही शनिवार वाले दिन लगाई जाएगी। यानी कि आप जैसे स्लॉट बुकिंग करते हैं या दूसरे स्लॉट का आपका अगर टाइम आता है तो शनिवार के दिन आप जाकर दूसरी डोज लगवा सकते हैं। प्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए टीके की दोनों डोज लगाकर सुरक्षा चक्र मजबूत करने में सरकार अब लगातार जुटी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज लगवाने में देरी ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। वहीं अब हर शनिवार को सभी टीकाकरण केंद्रों पर सिर्फ वैक्सीन की दूसरी डोज ही लगाई जाएगी। वहीं टीकाकरण केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक टीके की ये दूसरी डोज लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले लोगों के लिए समय भी आरक्षित कर दिया गया है। फिर इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों को प्रथम आगत प्रथम स्वागत के आधार पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कोई भी व्यक्ति वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज कोई भी डोज लगवा सकता है। और अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने यह बताया है कि टीके की दूसरी डोज लगवाने वालों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करने में कठिनाइयों का सामना
करना पड़ रहा है और ऐसे में दूसरा टीका लगवाने में लोगों को कठिनाई न उठानी पड़े, इसलिए शनिवार का दिन सिर्फ दूसरा टीका लगाने के लिए आरक्षित कर दिया गया। और अब प्रदेश में बता दें कि कुल 5.5 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं और इसमें 4.64 करोड़ लोगों ने टीके की पहली और 86.16 लाख लोगों ने दूसरी डोज लगवाई और ऐसे में मात्र 15.6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।